कल शाम को क्या हुआ ना, मैं कल एक शादी के फंक्शन में जा रही थी, तो रास्ते में कुछ कुमार बैठे रहते हैं। अब गर्मी आ रही, मैं क्या करूंगी ना इनमें, मैं फ्रेंड्स मेरा कॉफी बनाने का एक्सपीरियंस तो बहुत। क्या कल शाम को क्या हुआ ना, मैं कल एक शादी के फंक्शन में जा रही थी, तो रास्ते में कुछ कुमार बैठे रहते हैं। अब गर्मी आ रही है तो मटके जो बेचते हैं ना, तो मुझे ये इस टाइप के बर्तन दिखाई दिए, ये हांडी और ये बाउल। देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको परचेज तो कर लिया, बट मुझे इनको यूज करना नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक मिट्टी के बर्तन यूज नहीं किए हैं। अब ये भी नहीं मालूम ये लोकल वालों से लिए हैं, इनको यूज करने के बाद ये टूटते हैं, चटकते हैं, क्या होता है मैं नहीं जानती, बट यूज करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने कुछ मिट्टी के बर्तन लिए हुए हैं जो बहुत सस्ते हैं, जो कुमार बेचते हैं ना उनसे लिए हुए मैंने। आज उन्हीं के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, जब मैं पूजा कर रही थी ना तो एक फूल मैंने ले लिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इधर उधर रखने की बजाय मैंने अपने बालों में सेट कर लिया। कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं क्या करूंगी ना इनमें, मैं पानी भर के रखूंगी और उसको बॉईल करूंगी, अगर ये कुछ चटकते नहीं है, कुछ भी इनका बिगड़ता नहीं है, तो फिर मैं इसमें खाना बनाऊंगी। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट बनता है। हांडी को मैंने अच्छे से धो लिया है इसमें पानी बॉईल करने के लिए। अब देखते हैं वर्क करती है या नहीं। पानी तो इसमें बहुत बढ़िया से बॉईल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्टीम भी अच्छी आ गई है। हांडी में जो पानी गर्म हुआ था ना, वो तो मैंने बॉल में डाल दिया, इसे ठंडे पानी से वॉश कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या चटकता है या नहीं। वॉश करने के बाद बर्तन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मैं इसमें दूध बॉईल करके देखूंगी उसका क्या रिजल्ट आता है, और साथ में चीनी कॉफी मिक्स कर देते हैं, बन जाएगी कॉफी। साइड में मैंने दोनों बच्चों के लिए दलिया भी चढ़ा दिया है, मैं तो पीऊंगी कॉफी और बच्चों को दूंगी दलिया। देखिए इन बर्तनों की खास बात क्या होती है कि इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी खाने के जरिए इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो शायद खाने से भी ना मिलते हो कभी कभी। हम कोई भी बर्तन यूज करें पर एल्यूमिनियम का ना करें, क्योंकि जल्दी बनाने के चक्कर में अक्सर घरों में देखा गया है एल्यूमिनियम यूज होता है, लेकिन ये इतना जहरीला होता है ना, खाना बनाते वक्त इसके जो जहर होता है ना वो हमारे खाने में उतर आता है, और खाने के साथ ये कैंसर जैसी बीमारियों को हमारी बॉडी में जन्म देता है। देखो इस पॉट से अगर मैं डायरेक्टली इसमें अपने कप में कॉफी पोर कर रही तो ये फैल रही है, बस ये थोड़ी सी समस्या है, इसे पहले दूसरे बर्तन में डाल के तब यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग के और दूसरे काम करने के बाद अब मैं ये बच्चों को दलिया दे रही हूँ और मैं भी कॉफी एंजॉय कर रही हूँ जो मैंने हांडी में बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ और बनाते हैं। फ्रेंड्स मेरा कॉफी बनाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा, उसमें जो झाग बनाते हैं ना बहुत सारी प्रोसेस से बनाते हैं, झाग बनाने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बस जरा सा विस्कर घुमाया और झाग उसमें इतने सारे तैयार हो गए ना। कॉफी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं नेक्स्ट चीजें भी बना के देखती हूँ कैसी बनती है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं दाल बनाऊंगी ना, हाँ ये उसमें चावल बनाओ। हाँ नहीं इसमें दाल बनती है क्या? चावल बनाओ। मिस्सू ये तो गलत हो गया बेटा, हांडी में दाल बनती है।
देखिए एक इसमें जो हांडी है वो तो वाकई में खाना बनाने का बर्तन है, लेकिन दूसरा है वो खाना बनाने का नहीं है, लेकिन मैं उसे बना रही हूँ। बहुत बढ़िया चावल बनाए, एकदम खिला खिला। और इन बर्तनों की एक खास बात बता दूं मैं, इसमें खाना इतनी देर तक गर्म रहता है ना खाना बनाने के बाद, कि जैसे हम हॉट केस में रख देते हैं 2-3 घंटे तक, बहुत बढ़िया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बर्तन हम ना बड़ी बड़ी शॉप या जो भी कंपनी अमेजोन फ्लिपकार्ट और जो भी कंपनी है उनसे खरीदने की वजह कुमार से खरीदे, क्योंकि यहाँ जो बर्तन मिलते हैं ना शुद्ध मिलते हैं, और जो आप मार्केट से लेते हो ना बड़ी शॉप से या किसी कंपनी के थ्रू लेते हो, ऑनलाइन लेते हैं, तो ये बर्तन बिल्कुल केमिकल के बने होते हैं और चिकने सुंदर दिखाई देने की वजह से हम लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध नहीं होते हैं। देखिए अब मैं ना रवे का हलवा ट्राई कर रही हूँ, ऑयल रख के इसका क्या परफॉर्मेंस करता है। ये सच में खाना बनाने का एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब मैं कुछ, मेरे पास तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू, वाकई बहुत मजा आ गया। फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे लगे। बस ये थोड़ा हैंडी नहीं है, यूज करते करते हैबिट हो जाएगी तो हैंडी भी हो जाएंगे। और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।